जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने लगा हूँ कि आप अपनी तस्वीर का इस्तेमाल करके बगैर बोले आप क्या कुछ नहीं बोल सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिंदाबाद। और वीडियो देखें। तो भाई साहब, जैसा मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, टूल का नाम है मीट मैजिक स्टूडियो। ये canva.com का एक नई काविश है और करती क्या है, पहले आसान अल्फाज में वापस आ जाओ मेरी तरफ। आप इसको प्रॉम्प्ट से, चाहे वो टेक्सचर प्रॉम्प्ट हो चाहे वो इमेज प्रॉम्प्ट हो, ये आपका इमेज इस्तेमाल करके उस पे आपका जो टेक्सचर प्रॉम्प्ट है, यानी कि जो स्क्रिप्ट है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसको किसी भी प्री सेट वॉइस पे पूरी वीडियो क्रिएट कर देता है। तो तस्वीर मेरी, अल्फाज मेरे, पर बोल कोई और रहा है। ये क्लिप देखो सर, बोल बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। अब आइए जी, वीडियो आपको दिखाते हैं। हंसने की जरूरत नहीं है, सीखो इसको और इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें क्रेडिट्स गिवन है। मैं पहले बता दूं कि 20 क्रेडिट्स जनरली गिवन होते हैं और आप जितनी लंबी लेंथ की वीडियो बनाएंगे उतने क्रेडिट्स यूज होते जाएंगे। जैसे अपवर्क पे अगर प्रोजेक्ट की वर्थ बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट्स लग जाते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पॉइंट समझ लें कि ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे अगर आपकी वीडियो की लेंथ बढ़ी है। मैं तो छोटी सी बनाई है, अब देख लो। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये मैजिक स्टूडियो पर मैंने क्लिक किया। मैजिक स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद ये नीचे कुछ डिफरेंट प्रीसेट्स नज़र आ रहे हैं। इसमें जो मैंने यूज़ किया है D-ID पर जाके मैंने एक नया डिज़ाइन पर क्लिक किया। वैसे आप एग्जिस्टिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो जो फॉर्मेट है वो फेसबुक वाला यूज़ किया, यानी कि जो डायमेंशन है ना ये फेसबुक के लिए ही इस्तेमाल की गई है। लेफ़्ट साइड पे आपको सारे प्रीसेट्स नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ लोग हैं, ये सारे AI जनरेटेड हैं। ऊपर वाला बंदा जो आपको नज़र आ रहा है वो AI जनरेटेड नहीं, वो मैं बकलम खुद हूँ। अब नीचे मैं इसको जो है वो टेक्स्ट दे रहा हूँ, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट कि ये जो वीडियो है ये क्या बोले। तो मैं हेलो एवरीबॉडी, ये मैं ज़रा थोड़ा सा तेज़ी से इसको स्किम थ्रू कर लेता हूँ, आगे कर लिया। इसके बाद जनाब ये वॉइस, मर्द औरत, ये भी चूज़ कर सकता हूँ। मैंने जेनी के बजाय टोनी सेलेक्ट कर लिया है। लैंग्वेज अंग्रेजी है, स्टाइल है ना बोलने का, वो मैंने ज़रा आराम पसंद, दोस्ती पसंद, फ्रेंडली चूज़ कर लिया। वैसे इसमें गुस्से वाला भी हो सकता है, एंग्री भी हो सकता है। बहरहाल अब मैं इसका जनरेट प्रेजेंटर कर रहा हूँ। ये क्लिक किया तो आप देखें कि मेरी तस्वीर लगा के वो बोलना शुरू हो गया और बड़ा अजीब सा ख़तरनाक किस्म का काम हो चुका है। ऐड पेज पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद जनाब अली, इसमें मैं और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। इसको सेव करने के लिए सिंपल क्लिक किया शेयर पे, शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद वो ऑलरेडी MP4 सेलेक्ट करता है। और मैंने इसको कहा यार कि आप मुझे ये पेजेस हैं जिन पे मेरा ये कंटेंट पड़ा हुआ है, और डन का बटन दबा के, डाउनलोड का बटन दबा के ये वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। वापस आए जहाँ पे आप इन क्रिएटिव्स को सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई हेजिटेशन है कैमरे को फेस करने का, कैमरा फ्राइट इज़ अ रियल फ्राइट, राइट? बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलना चाहते हैं लेकिन कैमरा ऑन होते ही उनकी जो बोलने की एबिलिटी है वो लूज होना शुरू हो जाती है। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। मेरा मानना है ये प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। अगर आप किसी भी चीज़ को, ख़ासतौर पे आपका फियर, उसको फेस करें तो आप बोलना शुरू करते हैं। लेकिन बहुत सारे हैसल्स हैं, ख़ासतौर पे हमारी ख़वातीन के, जो कैमरे में अपीयर नहीं हो सकती। तो ये जो टूल है कैनवा का, इसका इस्तेमाल करके आप एवाटार यूज़ कर लीजिए किसी खातून का, उस पर टेक्स दे दीजिए, यानी कि डिस्क्रिप्शन जो आप बुलवाना चाहती हैं। अगर आपसे वो भी नहीं लिखा जाता तो ChatGPT पे जाइए और जनरेट कर लीजिए 2-4 प्रॉम्प्ट्स देके। अब मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा, ये सिंपल बात है जो कि हर एक को पता होनी चाहिए अब कि ChatGPT को इस्तेमाल कैसे करना है। वहाँ से स्क्रिप्ट क्रिएट हो गया। वापस आइए कैनवा पे, मैजिक टूल इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद एक वीडियो क्रिएट कर लीजिए। तो वो जो वाटर मार्क है वो DID वालों का वाटर मार्क आता है। जाहिर उन्होंने आपको मुफ्त में दिया तो वाटर मार्क तो आ रहा है, बट रियली डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। क्रेडिट्स हैं, उसके बाद उसको ख़रीदना पड़ता है। बट आई थिंक गुड इनफ फॉर यू टू बी एबल टू प्रेजेंट योर कंटेंट एंड द विजुअल कंटेंट फॉर सोशल मीडिया। याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे 60% चांसेस ज़्यादा होते हैं कॉन्टेंट के कंजम्पशन के, अगर वो विजुअल कॉन्टेंट है एज कम्पेयर टू जस्ट द पिक्टोरियल कॉन्टेंट। तो बनाओ ना सरकार, कैनवा जिंदाबाद।